Dipankar ji for last salam. उपस्थित सभी साथियों को लाल सलाम। अभी जो मैंने आप लोग सुन नहीं पाए होंगे, ये अभी पूरे देश में आदिवासियों को जमीन से उजाड़ा जा रहा है, कहीं कारखाना बसाने के नाम पर, कहीं शहर बसाने के नाम पर, कहीं नदी पर डैम बनाने के नाम पर, कहीं जंगल में बाघ के लिए, शेर के लिए सेंचुरी बनाने के नाम पर। इसके खिलाफ जो आदिवासियों की लड़ाई है अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए, उसी लड़ाई का ये गाना है। जब उड़ीसा में काशीपुर में नियमगिरी में लड़ाई शुरू हुई, झारखंड में लड़ाई शुरू हुई, उसी समय एक ने ये गाना लिखा और ये बेहद लोकप्रिय गाना है। गांव छोड़त नहीं, जंगल छोड़त नहीं, माय माटी छोड़त नहीं, लड़ाई छोड़त नहीं। ना गांव छोड़ेंगे, ना जंगल छोड़ेंगे, ना घर छोड़ेंगे, ना लड़ाई छोड़ेंगे, और लड़ करके अपने गांव, अपने जमीन, अपना जंगल, अपने अधिकार, उसको ले करके रहेंगे। ये है ये गाना। तो साथियों, सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। पूरे देश में जो गांव में खेत में मजदूरी करने वाले, या खेत नहीं तो अन्न कहीं ईट भट्टा में, निर्माण में, कुछ भी काम करने वाले, मजदूरी करके कमा करके खाने वाले, जीने वाले लोग, उनको हमने पूरे देश में संगठित किया। उसी संगठन का नाम है अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा। पहले सिर्फ खेत मजदूर सभा था, अब जब हम देख रहे हैं कि गांव में खेत में भी लोग काम करते हैं, लेकिन खेत में अब काम कम मिलने लगा है, तो गांव में लोग अब खेत से बाहर, यहां तक कि गांव से बाहर भी जाकर के काम कर रहे हैं। उन तमाम मजदूरों को संगठित करने के लिए हमने अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर सभा का गठन किया है। खे ग्रामस AIARLA, ऑल इंडिया एग्रीकल्चरल रूरल लेबर एसोसिएशन, तो उसका आज हमने सम्मेलन किया। तो पूरे देश में 600 से ऊपर जिले हैं, हिंदुस्तान में 30 प्रांत है, तो इन जिलों में हम संगठन बना रहे हैं। तो उसी तरह आज जो हमारा मैप है खेत मजदूरों के लड़ाई का, उस मैप में आपका ये वलसाड जिला भी जुड़ गया कि यहाँ भी लाल झंडे वाले हैं, यहाँ भी आदिवासी लड़ रहे हैं, यहाँ भी खेत मजदूर, गांव के मजदूर लड़ रहे हैं। आज हमने ये एक तरह से फैसला कर लिया इस सम्मेलन के माध्यम से, इसलिए आप तमाम साथियों को मैं बधाई देता हूँ। और आपका ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये जो आपने अपनी यात्रा शुरू की, ये आगे बढ़े। अभी तो एक जिले से हमने शुरू किया, एक जिले में भी सभी प्रखंड में हम लोग नहीं है, अभी भी इस पूरे वलसाड जिले में भी बहुत सारे गांव हैं जहां हम नहीं है। तो हमारा ये कारोबार आगे बढ़े, गांव गांव में जहां भी आदिवासी हैं, जहां भी गरीब हैं, जहां भी लड़ने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को लेकर के हम इस लाल झंडे को स्थापित करें, संगठन को बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बिल्कुल ऐसा करेंगे और आप लोग आगे बढ़ेंगे। आज इस समय गुजरात में वलसाड में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि गुजरात में और भी यात्रा चल रही है। एक अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज सिंह की सरकार है। लोग कहते हैं कि शिवराज नहीं है, वो शबराज है। वहां लोगों को मारा जा रहा है, किसानों पर गोली चली मंदसौर में, और उस मंदसौर से पूरे देश के तमाम किसान संगठनों ने मिलकर के एक यात्रा शुरू की है। वो मंदसौर से दिल्ली जंतर मंतर तक यात्रा जाएगी, और आज इस वक्त जब हम लोग यहाँ वलसाड में है, वो यात्रा भी गुजरात में ही है। सूरत होते हुए लोग अभी वो
वो डांग के इलाके में, तापी के इलाके में पहुंचे हैं, आदिवासियों के बीच में वो यात्रा चल रही है। उस यात्रा में भी हम लोग शामिल है। खेती बचाओ, खेत बचाओ, किसान बचाओ, किसान के ऊपर जो कर्ज है उस कर्ज को खत्म करो, इन मांगों को लेकर के यात्रा चल रही है। एक और यात्रा शुरू हुई अहमदाबाद से। एक साल पहले ऊना कांड हुआ था, ऊना में दलितों पर हमला किया गया इसी गाय के नाम पर। ये आरएसएस वालों का धंधा है। एक तरफ वो कहते हैं कि गांव में अगर कहीं कोई गाय मर गई, कोई भी पशु मर गया, तो गांव में अगर पशु मरा तो उस पशु का संस्कार कौन करेगा, तो पशु का संस्कार दलितों को करना है। ये इन लोगों ने व्यवस्था बना रखी है, ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था। और जब दलित वो काम कर रहे हैं तब कह रहे हैं कि आपने गाय को मारा क्यों, तो मरा हुआ पशु, मरा हुआ जानवर दलितों ने नहीं मारा था, वो मरा हुआ था, उसका संस्कार कर रहे थे और उनको पीट दिया कि ये वो हत्या करने वाले थे, और पीट करके उसका वीडियो बना करके पूरी दुनिया को दिखा दिया इंटरनेट से। और तब हमने देखा कि एक साल पहले ऊना कांड के बाद पूरे देश में और खासकर गुजरात में सारे दलित इकट्ठे हुए, मुसलमान ने भी साथ दिया, आप लोगों ने भी साथ दिया। और वो यात्रा जब चली वहां अहमदाबाद से ऊना तक चली, तो गुजरात में वो जो आनंदी पटेल मुख्यमंत्री थी उनको हटना पड़ा। तो आज एक साल बाद फिर यात्रा निकली है, अभी लोग आएंगे सबरकंठा तक और वहां जमीन पर झंडा गड़ने का काम करेंगे। इसमें भी हमारे साथी लोग आए हैं बिहार से, दिल्ली से, हमारे छात्र नौजवान साथी इस यात्रा में भी शामिल है। तो हम देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर मोदी जी ने प्रचार कर दिया पूरे देश में कि गुजरात में लोग बहुत खुश हैं, गुजरात में खुशहाली आ गई है, लोगों के पास कोई अभाव नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, खाने पीने की कमी नहीं है, सबके पास रहने के लिए मकान है, सबके पास काम है, सबके घर में दूध है। ऐसा पूरा देश में प्रचार कर दिया कि गुजरात में तो अच्छे दिन आ गए, अब हमको देश में डाल दो, दिल्ली में हमको ठेका दे दो, प्रधानमंत्री बना दो, तो पूरे देश में हम गुजरात जैसे खुशी ला देंगे। और ये झूठ बोल करके आज प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन गुजरात में लोग गुस्से में है, लोग तकलीफ में है, परेशान है। हमने देखा अभी जो GST लागू किया गया, टैक्स थोपा गया देश के व्यापारियों के ऊपर, देश के तमाम गरीबों मजदूरों किसानों के ऊपर जो टैक्स थोपा गया, उसके खिलाफ सबसे तगड़ा प्रदर्शन गुजरात में हो रहा है, सूरत में, जहां कपड़ा उद्योग में काम करने वाले जो व्यापारी है वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दलितों की सबसे बड़ी लड़ाई गुजरात में इस समय हो रही है ऊना के बाद। हम देख रहे हैं कि गुजरात में जो जनसंघात हुआ था 2002 में गोधरा कांड के बाद, गोधरा का बदला लेने के नाम पर जो पूरे गुजरात में इतना बड़ा जनसंहार किया गया, उसी में गुजरात में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और वो लड़ाई लंबी चली। बिल्किस बानू के बाद आप लोग शायद सुने होंगे, एक महिला 2002 में जिनके घर में एक परिवार के साथ लोगों को मार दिया गया, बिल्किस उस समय वो उनके बच्चा होने वाला था और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। और इस देश में गुजरात में ऐसी स्थिति थी कि गुजरात के निचली अदालत से उनको न्याय नहीं मिला, वो सारे अपराधियों को बरी कर दिया गया, लेकिन मुंबई हाईकोर्ट से ये केस मुंबई के हाईकोर्ट में लड़ा गया। उस हाईकोर्ट से अपराधियों के खिलाफ, पुलिस के बड़े अधिकारी के खिलाफ सजा सुनाई गई, ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले गए सजा से बचने के लिए, लेकिन परसों सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, ये सजा ये जो है बरकरार रहेगी और कम से कम गुजरात में जो इतना बड़ा अन्याय हुआ था, जनसंघार हुआ था, आज 15 साल बाद 2002 और 2017 15 साल बाद बिल्किस बानो को
थोड़ी सी राहत मिली, थोड़ा उनको न्याय मिला। इसी तरह हम भी लड़ रहे हैं आदिवासियों के सवाल पर, जमीन के सवाल के ऊपर, जो हमारे लिए देश में कानून बने हैं। दो कानून है हमारे लिए, एक तो वन अधिकार नियम है। वन अधिकार नियम के तहत जो हमारे पास जमीन पर जो हक बनता है, ये जमीन छीनी नहीं जा सकती, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। दूसरा हमारे संविधान में पांचवी अनुसूची है कि जहां आदिवासी की संख्या ज्यादा है, पांचवी अनुसूची के तहत हमारे जो गांव पंचायत है, ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा को यह हक दिया गया कि गांव में कोई भी योजना बनेगी, कहीं से कोई कंपनी वाले आना चाहेंगे तो गांव सभा से, ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। ग्राम सभा योजना बनाएगी, ग्राम सभा की इजाजत नहीं मिलेगी तो कोई भी बाहर की कंपनी वो आदिवासी के गांव में नहीं घुस सकती। ये नियम है संविधान में, लेकिन जमीन पर इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। वो झारखंड हो, गुजरात हो, सब जगह हम देख रहे हैं अदानी अंबानी का चल रहा है, कंपनी वालों का चल रहा है, क्योंकि सरकार कंपनी की दलाल है। तो कंपनी की दलाल सरकार के खिलाफ पूरे देश में जो किसानों की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है, खेत मजदूरों की, गरीबों की लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें और मजबूत बनाना है, और इसीलिए आज हम सम्मेलन कर रहे हैं। सामने गुजरात में चुनाव है इसी साल के अंत तक, और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग, उनको पता है कि अगर शांति से चुनाव होगा तो किसानों का वोट हमें नहीं मिलेगा, आदिवासियों का वोट हमें नहीं मिलेगा, दलितों का वोट हमें नहीं मिलेगा, मुसलमानों का वोट हमें नहीं मिलेगा, और अब तो बाकी लोगों की बात छोड़ दीजिए, ये जो हार्दिक पटेल ने शुरू किया, जो पाटीदार किसान सबसे गुजरात के संपन्न किसान थे, आज उनके भी घर में संकट आ गया है, कृषि संकट, उनके भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके भी नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, आज वो भी सड़क पर लड़ रहे हैं। तो इस गुजरात में जहां दलित नाराज है, जहां आदिवासी नाराज है, जहां मुसलमान नाराज है, जहां पाटीदार किसान नाराज है, तो भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीतेगी? और इसीलिए बीजेपी को पता है कि हम सामान्य तरीके से चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो चुनाव जीतने के लिए पहले तनाव पैदा करो, पहले आग लगाओ, तनाव पैदा करो, लोगों को बांट दो, लोगों को आतंकित कर दो, और तब उनका वोट कब्जा कर दो, यही इनका धंधा रहा है। आज हम लोग आए वलसाड में, हमने देखा कि आज वलसाड बंद है, क्यों? अमरनाथ यात्रा में लोग गए हुए थे, इसी वलसाड से लोग गए थे, गाड़ी यही की थी, उस पर हमला हुआ, लोग मारे गए। हम सब लोगों को अफसोस है, पूरे हिंदुस्तान को अफसोस है, कश्मीर में भी लोगों को अफसोस है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर के बंगाल तक, असम तक, पूरे देश के लोग दुखी हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो सरकार को भी इसका जवाब देना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ये बड़े तिस्मारखा बनते हैं। और हमने देखा कि 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय भी एक बार हमला हुआ, और आज मोदी है, आज भी हमला हुआ। सरकार कहती है कि हमारे पास पहले से जानकारी है, खुफिया है, वो खुफिया एजेंसी बता रही थी पहले से कि इस पर हमला हो सकता है, लेकिन सरकार ने कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। अभी पता चल रहा है कि जो बस गई थी वलसाड से, उस बस का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। वहां नियम है कि अगर आपको जाना है अमरनाथ में तो शाम के बाद लोग नहीं जाते, दिन भर बस चलती है, लेकिन जैसे ही शाम ढली तो बसें रुक जाती है, लेकिन ये बस शाम को भी चल रही थी। तो मामला क्या है, ये गुजरात से ये बस, जिस बस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका परमिशन नहीं है, वो दिन में जो सुरक्षा का इंतजाम था
उसका उल्लंघन करते हुए जा रहे थे। तो इसके पीछे बहुत रहस्य है, ये घटना कैसे घटी। इसलिए मामला सिर्फ आतंकवादियों ने हमला कर दिया और आतंकवादी को फांसी दे दो ये कहने से नहीं होगा। सरकार को जो सुरक्षा का इंतजाम करना चाहिए था, सरकार ने वो सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। आज भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, अभी हमने देखा कि अमित शाह ने कहा कि जो अमरनाथ में लोग मारे गए, अलग अलग जगह अलग अलग बात कर रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं कि हिंदू मारे गए और इसीलिए सभी हिंदुओं को इस समय एक हो जाना पड़ेगा। गुजरात में आके बोल रहे हैं कि गुजराती मारे गए और इसीलिए हमको इसका बदला लेना पड़ेगा, और बदला लेने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। अरे कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज कश्मीर में भी जो सरकार चल रही है उसमें बीजेपी और पीडीपी दोनों पार्टी मिलकर के चला रहे हैं। कश्मीर में आपकी सरकार है, पूरे देश में आपकी सरकार है, गुजरात में आपकी सरकार है, और आप कह रहे हो कि भाई अगर गुजराती मारे गए तो जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब किसको देना पड़ेगा? इसका जवाब तो देना पड़ेगा भाजपा को, इसका जवाब तो देना पड़ेगा मोदी को, अमित शाह को। वो जवाब देने के बजाय वो इसको लेकर के राजनीति कर रहे हैं और आकर के लोगों से वोट मांग रहे हैं। अभी देखिए देश में राष्ट्रपति चुनाव होगा, राष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा ने किनको उम्मीदवार बनाया, रामनाथ कोविंद, ये उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी गिनती दलित में होती है, ये कोली समाज के हैं और कोली समाज उत्तर प्रदेश में वो दलितों में आते हैं। इनको भाजपा वालों ने दो दो बार राज्यसभा में सांसद बनाया, फिर बिहार में गवर्नर बनाया। पूरे देश में दलितों पर हमला होता है, उत्पीड़न होता है, कभी ये कोविंद सब कुछ नहीं कहते, लेकिन आज इसी समय उत्तर प्रदेश में जब से ये चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों पर हमला हो रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, और वहां मुख्यमंत्री क्या करते हैं गुजरात के उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये लोग कह रहे हैं कि सेना में जवान शहीद हो रहे हैं, बीएसएफ के पुलिस के लोग मारे जा रहे हैं और वो शहीदों के घर में जाते हैं श्रद्धांजलि के नाम पर, कैसे जाते हैं, मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे किसी बीएसएफ के जवान के घर पर, किसी सेना के जवान के घर पर, तो सेना के जवान को तो कोई ठीक से तनख्वाह भी नहीं मिलती, ठीक से तो खाना भी नहीं मिलता, उनकी तो सुरक्षा का भी इंतजाम नहीं है, वो मारे भी जा रहे हैं, उनके घर में तो सोफा नहीं होता, उनके घर में तो एयर कंडीशनर नहीं होता, उनके घर में तो ये कालीन नहीं बिछा रहता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी जाएंगे, वो भी योगी आदित्यनाथ जाएगा, तो योगी जी के जाने से पहले उन शहीदों के घर पर एसी लगा दिया जाता है, सोफा ला दिया जाता है, और योगी जी आते हैं एसी में और सोफा में बैठ करके दो मिनट बात करते हैं, 1,00,000 रुपए का कोई चेक देते हैं और योगी जी चले जाते हैं, उसके बाद वो सोफा भी वहां से चला जाता है और वो एसी भी उठा के चले जाते हैं। तो ये है इनकी सरकार गुजरात में, उत्तर प्रदेश में ये अगर दलितों के बस्ती में जाएंगे तो क्या कहते हैं कि दलित लोग जो है बड़ा गंदा रहते हैं और महकते हैं, और इसीलिए मुख्यमंत्री जाने से पहले वहां साबुन और शैंपू भेजा जाता है, वो भी खुशबू वाला, ताकि मुख्यमंत्री को ठीक लगे। अभी हमारे प्रभात जी ने आपको बताया कि जो स्वच्छ भारत के नाम पर अभियान चल रहा है, अच्छा है, कौन नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान में हमारा देश और साफ सुथरा हो, कौन गंदगी चाहता है, कोई नहीं चाहता है, हम नहीं चाहते कि गंदगी हो। तो आप कह रहे हैं कि शौचालय, बिल्कुल अच्छी बात है, बने, सबके लिए शौचालय बने, लेकिन शौचालय बनेगा कहां, हवा में बनेगा, आसमान में बनेगा? लोगों ने कहा कि हमारे पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, तो अलग से शौचालय कैसे बन जाएगा? तो शौचालय बनाने से पहले हमें तो जमीन चाहिए, हमें तो मकान चाहिए, मकान में ना शौचालय बनेगा,
जमीन होगी तब उस जमीन पर शौचालय बनेगा, लेकिन इनको जमीन से मतलब नहीं, मकान से मतलब नहीं, शौचालय से भी मतलब नहीं। वो शौचालय के नाम पर तंग कर रहे हैं लोगों, गरीबों को। गरीब अगर खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं, हमारी बहनें, हमारी माताएं, आज भी हमारे बुजुर्ग, वो अगर बाहर जाकर के शौच करने के लिए मजबूर हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो अपने अधिकारियों से कह रहे हैं कि तुम जाकर के फोटो खींच के ले आओ। आप बताइए, ये किसी सभ्य देश में ऐसा होता है? किसी देश में जहां संविधान है, जहां कानून है, ये तो कानूनन अपराध है। कोई महिला खुले में शौच में है और आप जाकर के उसकी वीडियो बना रहे हैं, आप उसका फोटो खींच रहे हैं, और इसी काम को कर रहे थे गुजरात के बगल में राजस्थान में, वहां भी भाजपा की सरकार है, और हमारे खेत मजदूर के, निर्माण मजदूर के नेता कमरेड जाफर, उन्होंने डट कर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि भाई मेरे यहां रहते आप ये फोटो नहीं खींच सकते हो, वीडियो नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने जाफर की हत्या कर दी। ये लोग कर रहे हैं, इनको शौचालय से भी मतलब नहीं है, इनको गाय से भी मतलब नहीं है, गो रक्षा के नाम पर हत्या कर रहे हैं। अभी हरियाणा में इनकी सरकार है, हरियाणा से रिपोर्ट आई कि 35 गाय मर गई। जो गाय के सुरक्षा के नाम पर जो शेल्टर बना रखा है, वहां ऐसी स्थिति है कि वहां 35 गाय ऐसे ही मर गई। तो इनको ना गाय से मतलब है, ना इनको शौचालय से मतलब है, ना इनको पूरे देश के कल कारखाना से मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि हमें सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और कुर्सी में बैठ करके हम गुंडागिरी करेंगे, तानाशाही करेंगे, हम जो मर्जी बोलेंगे और हमारी बात लोगों को सुनना पड़ेगा। तो गुजरात में इनको फिर कुर्सी चाहिए, और इस चुनाव में जो गुजरात में तैयारी चल रही है, हम लोगों को ये पूरी कोशिश होनी चाहिए कि बहुत हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का राज कब से चल रहा है, 20 साल हो गया। वो भूकंप आया था, भूकंप के समय से मोदी 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 के बाद, और फिर वो आनंदीबेन पटेल, अब तो कोई एक कौन है मुख्यमंत्री अभी, रूपानी, तो नाम भी लोग आजकल ऐसे बना दिए हैं कि वो मोदी के बाद लोग नाम भी नहीं जानते मुख्यमंत्री कौन है। तो मुख्यमंत्री के नाम ना जाने, लेकिन है तो वही मोदी शाह की जो पार्टी है, वही कमल फूल वाले, जो गुजरात को बर्बाद करने वाले, देश को बर्बाद करने वाले, तबाह करने वाले, ये सत्ता में है। और इसीलिए हम लोगों को पूरी कोशिश हम करनी होगी कि गुजरात का जो चुनाव होगा, ये चुनाव हिंदू और मुसलमान के नाम पर नहीं होगा। ये चुनाव ये गाय और शौचालय के सवाल पर नहीं होगा। ये चुनाव जो हमने वो गाना बजाया अभी, वो जो आदिवासी जो गाना गा रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं अपनी जमीन, अपना जंगल, अपना गांव, अपना हक, तो हमारी जमीन के सवाल पर, हमारे मकान के सवाल पर, हमारे बच्चों की पढ़ाई के सवाल पर, हमारे जो बीमार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके इलाज के सवाल पर, उनके पेंशन के सवाल पर, इस पर चुनाव हो, हमारे मुद्दों पर चुनाव हो, हमारी मांगों पर चुनाव हो, और चुनाव में उसी हिसाब से लोग वोट दे, और चुनाव के बाद भी इस गुजरात में हो या पूरे देश में हो, कोई भी सरकार बने, वो सरकार हमारे इन मांगों को पूरा करे, इसके लिए चुनाव होगा। इसीलिए हम समझते हैं कि आज जो आप सम्मेलन कर रहे हैं, अपने मुद्दों को लेकर कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के कर रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने कुछ मेंबर बनाया खेत मजदूर सभा में, कितने मेंबर बने कांग्रेस यहाँ, 5,000। तो 5,000 साथी कह रहे हैं कि मेंबर बने हैं, तो कितना बनना चाहिए? वलसाड में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, लाल झंडे को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो हम तो समझते हैं कि 5,000 एक शुरुआत है अच्छी, लेकिन 5,000 में संतोष करने से तो नहीं चलेगा, 5,000 से कैसे होगा? तो ये 5,000 को भी हम कहेंगे कि इसको बढ़ाइए, इसको 20,000, 25,000, 50,000 तक ले जाइए, तमाम और
आदिवासियों को, गरीबों को, गांव गांव में महिलाओं को, पुरुषों को, सबको जोड़िए। इस काम को हम लोगों को करना है और ये काम हम जितना करेंगे, बाकी लोग भी लड़ रहे हैं, अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। ऊना में लोग लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं, लड़ रहे हैं। वो सूरत में जो कपड़ा व्यापारी है वो जीएसटी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। ये जो किसान वाले लोग कह रहे हैं कि भाई हमारा संकट खत्म हो, हमें आत्महत्या न करना पड़े, हमारे ऊपर जो कर्ज है उसको माफ करो, हम उनके साथ हैं। इस देश में किसान आत्महत्या करेगा और देश के पूंजीपति वो पूरे देश में बैंक को लूट करके, ये जो गौतम अदानी आज से 10-20 साल पहले तो किसी ने अदानी का नाम नहीं सुना था, अब अदानी जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, विदेश में जाते हैं, साथ साथ अदानी जाते हैं। अभी गए थे इजराइल, पता चला अदानी भी साथ गए थे, और इजराइल के साथ क्या समझौता हुआ, नहीं समझौता हुआ, तय हो गया कि अब अदानी इजराइल के कंपनी के साथ मिल करके हमारे देश में जो रक्षा उद्योग है उसमें अब अदानी घुसेंगे। और अदानी कैसे घुसेंगे, पैसा कहां से आएगा, पैसा देगा हिंदुस्तान का बैंक। बैंकों ने 72,000 करोड़ अकेले गौतम अदानी को, एक कंपनी को हिंदुस्तान के बैंकों ने 72,000 करोड़ रुपए का कर्ज दे रखा है। वो लौटाते नहीं है, वो कर्ज बढ़ रहा है। कभी विजय माल्या की तरह ये भाग जाएगा, लंदन चला जाएगा। तो कंपनी वालों को 72,000 करोड़, और पूरे देश में जो इतने करोड़ किसान हैं, सारे किसान को जोड़ दीजिए, सारे किसानों को जोड़ करके भी किसान को 72,000 करोड़ का कर्ज नहीं मिला। जो एक पूंजीपति को जितना कर्ज मिला, पूरे देश के करोड़ों किसान को उतना कर्ज नहीं मिला। और बाकी खेत मजदूर की तो बात छोड़ दी, गांव के मजदूर, दलित आदिवासी, उनको कौन कर्ज देता है, कोई बैंक वाला देता है, उनकी बात तो छोड़ दीजिए। तो ये जो पूरे देश में कर रहे हैं कि हमारा सारा कुछ लूट करके इस देश में हमारी जमीन, हमारी खेती, हमारा उद्योग, हमारा बैंक, हमारे सारे पैसे सब लूट करके बस कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति, और उन पूंजीपतियों के बीच में उनका सरगना नरेंद्र मोदी, और उनके नाम पर उनके गुंडे पूरे लोगों को तंग करेंगे, किसी को गाय के नाम पर मारेंगे। अभी जो बता रहे थे कि यहाँ धर्म परिवर्तन, भाई धर्म लोगों की अपनी अपनी मर्जी है, लोगों की अपनी मर्जी है, जो धर्म अच्छा लगे, जो धर्म अच्छा लगे आप उस धर्म पे रहेंगे, इसमें कौन सी बात है। आप ये कह रहे हैं कि अम्बेडकर ने क्या कहा, अम्बेडकर ने कहा था कि भाई हम तो हिंदू घर में पैदा हुए लेकिन हम हिंदू मरेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ हमको इतना तंग किया गया, दलितों पर इतना उत्पीड़न किया गया कि हम तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, और उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म का अपनाया। और आज ये क्या कह रहे हैं, वो जबरन लोगों को फिर से हिंदू बनाओ, और जबरन हिंदू बनाना थोड़ा कठिन हो रहा है, तो चलो कम से कम इस्लाम या ईसाई से छोड़ करके उनको कुछ देर के लिए बौद्ध बना दो, बाद में फिर उनको हिंदू बना देना। ये जो पूरे धर्म के नाम पर भी हमला हो रहा है, अब समझते हैं कि इस समय ये हमारे सामने बड़ा चैलेंज है, और इस चैलेंज को आप लोगों ने कबूल किया कि हम लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लड़ करके अपनी जमीन, अपना जंगल, अपने सारे हक अधिकार हम हासिल करेंगे इस देश के अंदर। तो आपका ये जो सम्मेलन है ये शुरुआत है, ये पहला सम्मेलन है, आगे और सम्मेलन होंगे, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। हमारी मेंबर अभी 5,000 है, इस संख्या को बढ़ाना है। अभी अगर हम 2 तालुक में काम कर रहे हैं या 3 में काम कर रहे हैं, हमें और ज्यादा फैलना है, और हम कहेंगे कि आप चुनाव के लिए भी तैयारी कीजिए, जो चुनाव भी आएगा उस चुनाव में भी हम लोग पार्टी से टिकट देंगे, और पार्टी के टिकट पर यहाँ लड़ना, और लड़ करके हम कोशिश करेंगे कि पूरे चुनाव में जो हमारे मुद्दे हैं इन मुद्दों पर बात हो, वो हिंदू मुसलमान के सवाल पर नहीं,
ये दंगा पंगा के सवाल पर नहीं, ये पूरे गुंडागर्दी के सवाल पर नहीं, हमारे मुद्दों पर बात हो, जमीन के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, हमारे भोजन के सवाल पर, हमारे मकान के सवाल पर, हमारे रोटी कपड़ा के सवाल पर, उस पर चुनाव हो, और इसके लिए हमारी पूरी एकता चाहिए। अभी जितना भी इस देश में कोशिश कर रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमानों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, गुजरात से लेकर के बंगाल तक, लेकिन हम देख रहे हैं जितने भी बांटने की कोशिश करे, लोग एक है। अभी जो अमरनाथ में जिस बस पर हमला हुआ, कल इन्हीं के टीवी चैनल में खबर आ रही थी, उस बस का ड्राइवर कौन था जो बस को बचाने का काम किया? सलीम शेख। सलीम ने अपनी जान की परवाह भी किए बगैर, वो अगर बस रोक देते तो आतंकवादियों की गोली में 50 लोग मारे जाते, लेकिन इन्होंने, गोलियां चलती रही, उन गोलियों के बौछार के बीच में इन्होंने बस को पूरा आगे कर दिया, बस लेके आगे बढ़े, और इसीलिए सिर्फ 7 लोगों की जान गई, बाकी लोग सकुशल इस पूरे हमले के बाद भी आज जिंदा है। तो ये काम किसी मोदी के पुलिस ने नहीं किया, कोई आरएसएस के गुंडा ने नहीं किया, कोई गोरक्षा के नाम पर हंगामा करने वाले इन बदमाशों ने नहीं किया। ये काम वो जो कहते हैं कि भाई मुस्लिम जो है वो हिंदू के बारे में नहीं सोचता, हिंदू मुस्लिम के बारे में नहीं सोचता, लेकिन हमने देखा कि एक मुस्लिम ने ही बचाने का काम किया। बंगाल के अंदर अभी जहां ये आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लाल झंडा का गढ़ था, और इसीलिए लाल झंडे को कमजोर करने के लिए, मजदूर और किसान को बांटने के लिए वहां जाकर के हिंदू मुसलमान शुरू कर दिए हैं। वहां भी हमने देखा कि अगर कहीं एक जगह कोई किसी ने पोस्ट कर दिया मोहम्मद के खिलाफ, लोग नाराज हुए, उसमें अगर कुछ लोग एक घर को जलाने के लिए चले आए, तो वहां उस घर को बचाने के लिए मुस्लिम लोग ही आगे आए। तो इस देश में जो हमारी एकता है, हम हिंदू हो, हम मुस्लिम हो, हम सिख हो, हम ईसाई हो, हमारी जो एकता है, हम भारतीय हैं, और भारत में हमारे पास संविधान है, जिस संविधान में बराबरी की बात की गई, संविधान में लिखा गया कि बराबर, हम सबको बराबरी का हक है, हम सबको इस देश में न्याय पाने का हक है, हम सबको इस देश में सम्मान पाने का पूरा हक है, और इसीलिए हम अपना न्याय, अपना सम्मान, बराबरी का हक लेकर के रहेंगे, और जो भी इस तरीके से फूट डालो और राज करो, लोगों को बांटो, लोगों में नफरत भर दो, ये नफरत के खिलाफ हम अपने पूरे एकता और भाईचारा का पैगाम को लेकर के अपने हक की लड़ाई को तेज करेंगे। मुझे लगता है गुजरात में भी आप लोग आगे बढ़ना शुरू किए हैं, चलो वलसाड से ये जो आवाज आपकी उठी है, ये पूरे गुजरात में फैले, ये पूरे गुजरात में आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में, किसानों के बीच में, यहाँ नौजवानों के बीच में, मजदूरों के बीच में ये आवाज पहुंचे कि गुजरात के अंदर सिर्फ ये आरएसएस वाले, ये मोदी और अमित शाह के चेले नहीं है, इस गुजरात में लाल झंडा भी है, भगत सिंह के वारिस भी इस गुजरात के अंदर है, लाल झंडे के लोग भी डरने वाले लोग हैं, डरने वाले नहीं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, सभी साथियों को लाल सलाम।